दोस्तों, मैं सचिन शुक्ला अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का मैथ समाकलन। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 7.3 का क्वेश्चन नंबर, हम लोग शायद 10 तक, हाँ क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोगों को समाकलन पढ़ना है प्रश्नावली 7.3 का। आप लोग अच्छे से मेहनत से पढ़ाई करो और कोर्स को तैयार करो, ठीक है। हमारी एक कवित्री है, कविता तिवारी उनका नाम है, क्या कहती हैं, शायद लखनऊ से बिलोंग करती, कथा हमको नहीं पता है, क्या कहती हैं, कथानक व्याकरण समझे कि सुरभित छंद हो जाए, कथानक व्याकरण समझे कि सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे मालिक मैं मांगता है आपसे, ओ मेरे ईश्वर मेरे मालिक मैं मांगता है आपसे, युवा पीढ़ी संभल कर फिर से विवेकानंद हो जाए, युवा पीढ़ी संभल कर फिर से विवेकानंद हो जाए। बस आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप लोग संभल कर विवेकानंद की तरह अपने देश का नाम रोशन करें और अच्छे से पढ़ाई करें। चलो ठीक है, आ जाओ चलते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 हम लोगों को करना है, क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग कर चुके हैं, कोई दिक्कत अगर आपको हो तो कमेंट बिंदास कर देना, देखते हैं फिर उसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे, ऊपर दिख रहा होगा ना, ऊपर से क्वेश्चन 11 क्या कह रहा बाबू, कह रहा है कि cos पे 4x, cos पे 4x दिया बेटा, इसको मान लिया i = 2, हो जाएगा cos पे 4x dx, ऐसा क्वेश्चन आ गया। अब पिछले में एक आया था और sin पे 4x, क्या sin के स्क्वायर का होल स्क्वायर किए थे, तो इसका क्या करो cos स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है आराम से करना बाबू, करोगे इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x। एक मिनट बेटा, यहाँ पे साइन पे 4x ना होगे, साइन पे 4 2x है, ये भी होगा cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर dx, देखो स्क्वायर खोलेंगे cos पे 4 2x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। cos स्क्वायर 2x बेटा, एक हम फार्मूला जानते हैं cos 2x का, क्या जानते हैं, cos 2x = 2 cos स्क्वायर x - 1 होता है। अगर यहां से हम 2 cos स्क्वायर x का मान निकालें, क्या निकालें, 2 cos स्क्वायर x का मान क्या होगा, cos 2x + 1, तो cos स्क्वायर x का मान कितना होगा बाबू, cos स्क्वायर x का मान होगा, देखो यहां पे यह थोड़े में है, इधर आएगा भाग में, क्या हो जाएगा cos 2x + 1/2, तो यहां पे देखो एक बार ध्यान से, cos स्क्वायर x ना होके क्या है, cos स्क्वायर 2x है, तो cos स्क्वायर जब 2x है तो cos स्क्वायर 2x बराबर, देखो cos स्क्वायर x बराबर cos 2x है, cos स्क्वायर 2x बराबर क्या होगा, तो cos स्क्वायर 2x बराबर हो जाएगा कितना, cos 4x क्या होगा प्लस 1/2, तो cos स्क्वायर 2x की जगह क्या रख पाएंगे हम, cos 4x प्लस 1/2, तो चलो आ जाओ यहां पे रख दो बाबू, हो जाएगा cos 4x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और dx। चलो अब बाबू देखो, सबके बटे 2 है, 2 बाहर निकालेंगे, स्क्वायर स्क्वायर की वजह से 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/4। अब यहां पे क्या बचा बेटा, cos 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया, बोल दो 1/4 कितना हो जाएगा, a स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर 4x प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 into a, a कितना बेटा cos 4x और प्लस b मतलब 1 और इसका हो जाएगा बाबू dx। इतना उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, इसको हम थोड़ा सा चेंज करके लिखना चाहें तो देखना क्या होगा, 1/4 रहने दो, 1/4 cos, देखो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा प्लस
इसको 2 cos 4 x को आगे लिख दो, 2 cos 4 x प्लस cos स्क्वायर 4 x, तो cos स्क्वायर 4 x को यहां पर लिख लो cos स्क्वायर 4 x और बेटा ds। एक मिनट ध्यान देना, थोड़ा सा यहां पे इसका हम लोग कर लेंगे, इसका कर लेंगे, इसका थोड़ा सा ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा हम लोगों के लिए। तो यहां पे देखना cos स्क्वायर 2x इक्वल टू इतना आया है, तो अगर हम cos स्क्वायर 4x निकालें तो मतलब कितना होगा cos a dx हो जाएगा बेटा। देखो 2 का 4, 1 का 2, 4 का 8 प्लस 1/2, इसकी जगह पे हो जाएगा बेटा 1/4, यहां पे 1 प्लस 2 cos 4x प्लस यहां पे क्या होगा cos 8x प्लस 1/2 cos 8x प्लस 1/2 और dx। इतना कर लिए, अब इसको हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं बेटा, चलो मिटा दो, आ जाओ 1/4, चलो 1 को रहने दो 1 प्लस 2, 2 cos 4x रहने दो 2 cos 4x प्लस इसको थोड़ा सा बेटा चेंज कर दो, 1/2 है सबके बटे दोनों के बटे 2 है, इसको 1/2 बाहर ले लो और cos 8x और प्लस इसके साथ हो जाएगा 1/2 dx। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहां से चाहे इसको क्या करना बाहर निकाल लेना, नहीं तो सबके साथ क्या करना गुणा कर देना। अगर सबके साथ गुणा करोगे तो 1 के साथ 1/4 का गुणा करोगे कितना हो जाएगा 1/4 और इसके साथ कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा dx प्लस 1/4 इनटू बेटा कितना यहां पे 2 है रहने दो cos 4x dx, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कराओगे 1/4 इनटू 1/2 क्या बचेगा cos 8x। ठीक है, प्लस इसके साथ करोगे 1/4 ये आएगा और 1/2 ये उधर है बेटा, तो कितना हो जाएगा dx। इतना करने के बाद 1/4 और dx का हो जाएगा x हो जाएगा, इसको काट दो 2 × 2 = 4 हो जाएगा 1/2 बचेगा cos 4x, cos 4x का क्या होगा sin 4x हो जाएगा और 4x का होगा बेटा 1/4। ठीक है, प्लस 1/4 × 2 = 8 cos 8x का, cos 8x का हो जाएगा sin 8x और 8x का हो जाएगा 1/8 प्लस 4 × 2 = 8 1/8 और बेटा इसका क्या होगा x और प्लस का c। अब यहां से अगर करोगे 1/4x 1/8x हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लो तो 1 का पूरा इसमें करोगे 1x और प्लस / 8 और इसका हो जाएगा 1x / सॉरी बेटा यहां पे 4 रहेगा और यहां पे 8 कर लेना। ठीक है, प्लस 4 × 2 = 8 1/8 sin 4x प्लस 1/8 = 64 1/64 sin 8x प्लस 1/8x प्लस का c, मन करे इसको जोड़ दो एलसीएम 8 होगा, 8 होगा और 4 × 2 = 8 2 × 2 = 2 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3x प्लस 1/8 sin 4x प्लस 1/64 sin 8x प्लस 1/sorry बेटा इसको हम यहां पे कर लिए थे ना, ये यहां पे नहीं रहेगा, यहां पे प्लस c और यहां पे प्लस c, ये हो जाएगा इसका आंसर। देखो इसको उठा के हम यहां पे कर लिए थे ना, वहां पे दोबारा लिख दे रहे थे, ये हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलो नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। मिटाए बाबू इसको, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, कह रहा है कि sin स्क्वायर x प्लस 1/cos x, इसको मान लिया i इक्वल टू sin स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस cos x dx। ठीक है, मान लिए इतना, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करो, इसको
साइन स्क्वायर एक्स को मेरे लाल क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना, इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स डीएक्स। ठीक है, अगर हम यहाँ पे स्क्वायर लगा दें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रेकेट में ए प्लस बी मतलब 1 प्लस कॉस एक्स, और दूसरे में बेटा क्या होगा a माइनस बी मतलब 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स और यहाँ पे डीएक्स। अब देखो 1 प्लस कॉस एक्स से 1 प्लस कॉस एक्स गए ये दोनों भैया घर अपने अपने, बचा कौन और माइनस कॉस एक्स, तो हो जाएगा 1 बाहर dx और माइनस कॉस एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स dx, 1 का कितना हो जाएगा x माइनस कॉस, कॉस एक्स का क्या होगा साइन एक्स और प्लस का सी, ये हो जाएगा इसका आंसर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, कर लोगे बिंदास। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपान क्या बेटा cos x माइनस cos अल्फा, यहां पे 2 अल्फा है, cos x माइनस cos अल्फा। ठीक है, देखो cos 2a का फार्मूला लगा दो यहां पे, तो cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ए वाला फार्मूला उठा के दोनों पे रख दो, इसको क्या करो आई के बराबर लिखना बेटा, कितना इसके जगह लिखना 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो 2 क्या हो जाएगा इसका 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एक ब्रैकेट में माइनस लगाना, cos 2 अल्फा को भी वैसे खोल देना 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 और y cos x माइनस cos अल्फा और डीएक्स। ठीक है, माइनस खोल दो, जैसे हम बेटा यहाँ ब्रेकेट खोलेंगे माइनस के लिए क्या जरूरत है एक स्टेप चलने की, दुनिया शॉर्टकट में माइनस ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस। अब देखो माइनस वन प्लस वन ये दोनों एक दूसरे को करेंगे खत्म, और जब दोनों एक दूसरे को कर दिए खत्म तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा बच जाएगा। अब यहाँ से आप लोगों की जिम्मेदारी है, क्या जिम्मेदारी है, दोनों में से दो को क्या करें कॉमन ले लें, जब दो को कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा बटे cos x माइनस cos अल्फा इनटू ए हो जाएगा dx, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए हो जाएगा बेटा, दो बाहर ले लेना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी हो जाएगा cos x माइनस cos अल्फा cos x प्लस cos अल्फा अपान cos x माइनस cos अल्फा। भाई देखो ये गए गए दोनों, क्या बचेगा बेटा एक मिनट, यहाँ पे कर लेना क्या dx हो जाएगा, इसका काम हमारा हो गया खत्म। चलो अब देखो यहाँ पे क्या होगा 2 cos x cos अल्फा 2 हो जाएगा cos x और प्लस 2 बेटा देखो 2 का मल्टीप्लाई दोनों में होगा cos अल्फा कांस्टेंट है तो cos अल्फा बाहर हो जाएगा और बचेगा यहाँ पे क्या dx। चलो 2 cos का क्या हो जाएगा 2 sin x और प्लस 2 cos अल्फा अल्फा ना बेटा और dx का क्या हो जाएगा x प्लस c मत भूलना। ठीक है चलो ये हो जाएगा 2 sin x इसके प्लस x cos अल्फा प्लस c ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, चलो इतना नोट कर लिया आप लोग। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर कौन सा था 13, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 नोट कर चुके होंगे आप लोग, चलो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है बेटा cos x माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस साइन 2x, cos x माइनस साइन x अपॉन क्या दिया है, cos x माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस साइन 2x, 1 प्लस साइन 2x, इसको i के बराबर मान लेना बेटा यहां पर dx, तो यहां पे हो जाएगा cos x माइनस साइन x, 1 को लिख सकते हैं sin square x plus cos square x, ठीक है, 1 को जब लिखोगे क्या लिखोगे sin square x plus cos square x, यहां पे हो जाएगा sin square x plus cos square x, और हो जाएगा बेटा 2x, 2x को sin 2x को 2 sin क्या लिख सकते हैं x, 2 sin x into cos x हो जाएगा, अब यहां से लिखना dx, ठीक है, sin 2a बराबर क्या होता है बेटा sin 2a बराबर 2 sin a into cos a, a होता है ना, ये फार्मूला यहां पे लगा देना, चलो अब ये हो जाएगा आपका cos x minus sin x, a square plus b square plus 2ab, मतलब a plus b का whole square, हो जाएगा sin x plus cos x का whole square dx, अब यहां पे क्या करो, यहां पे मानना बेटा, माना क्या है sin x plus cos x is equal to t, जब t t मानोगे sin x का क्या हो जाएगा cos x और cos का हो जाएगा minus sin x dt by dx, तो cos x minus sin x dx is equal to dt, इसकी जगह क्या हो जाएगा dt, ये हो जाएगा बेटा 1 upon इसको माने t, इसका square t का square dt, ठीक है, इसको यहां पे कर दे रहे हैं, t को ऊपर लेके जाओगे कितना हो जाएगा t पर minus 2 dt, तो करना बाबू t पे minus 2 का करेंगे कितना हो जाएगा t पर minus 1 upon minus 1 और प्लस का c, इसको लिख सकते हैं minus 1 upon t plus c या minus 1 upon t, t किसको माने थे sin x plus cos x को, लिखना sin x plus cos x और यहां पे हो जाएगा प्लस का c, ये हो जाएगा इसका, आई समझ में, क्वेश्चन नंबर 14 का नोट करो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, बेटा इसको क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, कह रहा है tan क्यूब 2x और sec 2x, इसको मान लिया i के बराबर tan क्यूब 2x और बेटा sec 2x, यही दिया है dx, इसको लिख देना tan स्क्वायर 2x और sec 2x सही है, इसको लिख देना sec 2x, देखो tan क्यूब 2x था ना बेटा, यहां पे स्क्वायर लिखे हैं, एक tan 2x बचा है अभी और हो जाएगा dx, tan स्क्वायर 2x को लिख सकते हैं हम sec स्क्वायर 2x minus 1 और यहां पे sec 2x और यहां पे क्या है tan 2x dx, ठीक है, तो sec 2x को मान लो कुछ यहां से देखना, माना sec 2x is equal to t, तो sec x का sec x in tan x, तो sec 2x का अवकलन कितना होगा sec 2x into tan 2x, 2 का 2 बराबर dt by dx, इसको इधर लाओगे sec 2x tan 2x is dx is equal to हो जाएगा dt by 2, तो मतलब इसकी जगह पे dt by 2 लिख सकते हैं, ठीक है, और इसको लिख लो बाबू क्या हो जाएगा यहां पे t का स्क्वायर minus 1 और dt by 2, 1 by 2 बाहर हो जाएगा, कितना हो जाएगा t स्क्वायर dt minus 1 dt, ठीक है, t स्क्वायर 1 by 2 इसका हो जाएगा बेटा, इसके साथ भी 1 by 2 जाएगा, ठीक है, तो अब देखो क्या होगा t स्क्वायर मतलब 1 by 3 into t cube minus 1 by 2 into t plus का c, इसको t हम किसको माने थे यहां पे लिख दे रहे हैं 1 by 6 और t cube t sec 2x को माने थे ना बेटा, तो sec cube 2x और minus 1 by 2 sec
2x और प्लस का c, यह हो जाएगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का। चलो क्वेश्चन नंबर 15 करो, फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ।